को ही अपनाते हुए कुछ तर्क देना चाहता हूं। वो कहते हैं कि क्योंकि अनुपम खेर जी की धर्मपत्नी एक हमारी भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, इसलिए कलाकार के ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं। आपको पता है अनुपम खेर जी को पद्मश्री 2004 में मिला, अनुपम खेर जी को नेशनल फिल्म अवार्ड जहां तक मेरी जानकारी है 2005 में मिला। तो क्या इसका मतलब कि उस समय पर वो उनकी पार्टी अफिलियेशन दूसरी थी? दूसरी तर्क देखिए, 2008 में एक पत्रकार है जिनका मूवी में एक हिस्सा भी बताया गया है कि वो कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को जायज ठहराती है, उस पत्रकार को 2008 में पद्मश्री दिया गया। तो क्या वो पत्रकार उनके हिसाब से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के हिसाब से, उनकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से पत्रकारिता कर रही थी? जान लीजिए कौन से पत्रकार की बात कर रहा हूं। और तीसरा तर्क, अभी एक हाल ही में महाराष्ट्र में एक फिल्म आई जिसमें कि गोडसे को सही बताया गया, गोडसे ने जो कांड किया, महात्मा गांधी जी को मारा, वो सही दिखाया गया, और उसमें एक्टर सांसद के स्पाउस नहीं है, खुद सांसद एनसीपी के अमोल कोले जी है। तो अब खड़गे जी का तर्क अपनाते हुए गोडसे जी का गोडसे का महिमामंडन करने वाली फिल्म, ये एनसीपी की कांग्रेस की फिल्म है, क्या खड़गे जी मानेंगे क्या? इस प्रकार के कुतर्क करना, क्योंकि एक फिल्म मेकर ने एक फिल्म बनाई है और उसमें सत्य को उजागर किया है। नहीं देखिए, वो उनकी राजनीति हो सकती है, वो ठीक है, वो राजनीति से प्रेरित उनका बयान हो सकता है, लेकिन उनको एक कहने का मौका इसलिए मिल जाता है क्योंकि आपकी पूरी पार्टी, अब तो प्रधानमंत्री ने भी इस फिल्म के बारे में बोला है, आपकी पूरी पार्टी, आपकी सरकारें जहां जहां हैं, सब इस फिल्म को एक किस्म से प्रमोट कर रहे हैं, तो इसलिए वो इस बात कहते हैं। नहीं, ये देखिए, आपको उस दिन प्रधानमंत्री जी का जो बयान था वो बड़े स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा ये फिल्म के बारे में नहीं है, ये सिद्धांत के बारे में है। जो मंडली बोलती है कि बोलने की आजादी होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, वो जब एक फिल्म बनी है, आपको फिल्म पसंद नहीं है तो आप दूसरी फिल्म बना लीजिए, अपने तर्कों के हिसाब से फिल्म बना लीजिए, आप अपनी किताब ले आइए, आप अपनी बुक ले आइए, अपनी मूवी ले आइए, परंतु इसको दबाने की जो कोशिश की गई, तो ये तो वो लोग है ना जो बोलने की आजादी के पक्ष में है। आज इस फिल्म को प्रतिबंध लगाने की, इस फिल्म को दबाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तो इस विषय पर हमारी पार्टी का स्टैंड था। और हां, मैं ये बात जरूर कहूंगा कि इस फिल्म में क्या खराबी है, ये बता दे कि इसमें गलत क्या है, वो तो एक बार बताते नहीं है। जो जेनोसाइड हुआ वो सेक्युलर था, और मूवी जो जेनोसाइड पर बनी है वो सांप्रदायिक। अच्छा, चलिए ठीक, ये कैसा तर्क है? ठीक, मैं आता हूं आपके, बाकी मेहमानों के पास भी आएंगे। ललित जी हमारे साथ हैं, एक नए मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ, जावेद बेग साहब। जावेद साहब जनरल सेक्रेटरी हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट सेक्युलर के। स्वागत है जावेद जी आपका। देखिए, इस फिल्म के बारे में तो लोग कम बोल रहे हैं, लेकिन जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ उसके बारे में अब अलग अलग किस्म के तर्क और कुतर्क भी आने लगे हैं। जैसे कुछ लोग अब ये कहते हैं, कांग्रेस पार्टी का केरला का आप ट्विटर हैंडल देख लीजिए, उन्होंने तो ये साबित करने की कोशिश की कि वहां तो बहुत कम कश्मीरी पंडित मारे गए, उनके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं था, वहां पर तो हजारों की तादाद में कश्मीरी मुसलमान मारे गए, और एक तरीके से कश्मीरी पंडितों की त्रासदी को उन्होंने झुटला दिया। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में? देखिए, मैं खुद एक मैसेकर का चश्मदीद गवाह हूं। कश्मीर के जिस इलाके से मैं ताल्लुक रखता हूं, उस इलाके का नाम बीरवा है, और 1997 21 मार्च जब नवरोज मनाया जाता है, पहला मास मैसेकर मेरे बस्ती में हुआ, मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर। और मारने वालों में मैं ये नहीं कहूंगा कि कश्मीरी मुसलमानों ने मारा या कश्मीरियों ने मारा, लेकिन बदकिस्मती से, शर्मिंदगी मुझे हो रही है, जिन लोगों ने मारा वो हमारे घरों से थे, हमारे बस्तियों के मुसलमान थे, और वो मेरी आंखों के सामने हुआ। मैं 13 साल का था जब। इस मूवी की कोई जरूरत नहीं है सच्चाई बोलने के लिए, चाहे के फाइल इसकी मूवी बने या ना बने, हकीकत यह है कि हां, बिल्कुल जुल्म की इंतहा हो गई। और यह हिंदू वर्सेस मुसलमान नहीं है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, यह इंसानियत वर्सेस हैवानियत, हकीकत वर्सेस झूठ। और हकीकत यह है, कश्मीरी मुसलमानों को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि कश्मीरी मुसलमानों ने मारा नहीं, लेकिन हम बचाने में फेल हो गए। हमारा इखलाकी फरीजा था, समाजी फरीजा था, इस्लामी फरीजा, इस्लाम में यह बात बावर की गई है कि अगर आपकी बस्ती में गैर मुसलमान रह रहे हो, नामसाइद हालात हो या सही हालात हो, आप पे फर्ज आयद होता है कि उनकी रक्षा करें, उनकी जानो माल की रक्षा करें, उनकी इज्जत और असमत की रक्षा करें, उनकी जो इबादत गाहें हैं उनकी रक्षा करें। हम मुसलमान फेल हो गए, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, हमें हाथ जोड़ के माफी मांगनी है अपने कश्मीरी भाइयों से कि हम उन्हें बचाने में फेल हो गए। हालांकि कश्मीरी मुसलमान ज्यादा मरे, लेकिन कश्मीरी मुसलमान ने बाय चॉइस गन उठाया था, गन पार से आया था, पाकिस्तान ने यहां पे गन इसीलिए भेजा था ताकि कश्मीर को तबाह करे। और हम 30 साल से
उस तबाही के बिल्कुल बराबर के शरीक है। अगर आज के डेट में मेरी जनरेशन का कोई दोस्त साथी उस गुनाह को नकारता है, वो भी बराबर का शरीक है उस गुनाह में, जिस गुनाह में हमारे शरीफ नफ्स कश्मीरी भाई मारे गए। वो तो किसी सियासत के साथ नहीं थे, वो ना पाकिस्तान के गन के साथ खड़े थे और ना ही सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े थे, वो ना कांग्रेस के साथ थे, ना बीजेपी के साथ थे, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे, ना जमात इस्लामी के साथ थे, निहत्ते लोग थे। मेरा उसमें एक उस्ताद मारा गया जो शहीद अवतार कृष्ण पंडिता जी थे, वो तो हमें पढ़ाते थे, उनका काम सिर्फ पढ़ाई का था। रात के गुप्त अंधेरे में हमारी बस्ती के लोग, जिनमें कुछ आज भी जिंदा है, शर्मिंदा होता हूं मैं उनका नाम लेते हुए, वो उन्होंने उन गरीब बेसहारा पंडितों को मारा। ये तो हकीकत है, गुनाह हुआ है, गुनाह का बेहतरीन तरीका है कि गुनाह को एक्सेप्ट करके परवरदिगार से माफी मांगे और कश्मीरी पंडित भाइयों से हम माफी मांगे, तब जाके एक नई शुरुआत होगी। रिकंसिलेशन का पहला स्टेप है, जो कश्मीरी मुसलमान है, जो बड़ा भाई है, मां कश्मीर का बड़ा बेटा है, वो अपने छोटे भाई से माफी मांगे क्योंकि हम फेल हुए। बोलिए सलमान, ये भी तो कश्मीर से हैं। देखिए, जो इन्होंने कहा, मैंने उसको पहले भी डिनाई नहीं किया कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, हमें खेद है उससे, लेकिन इस पर राजनीति क्यों हो रही है? प्रधानमंत्री का क्या है एक फिल्म के साथ? प्रधानमंत्री पे सवाल होने चाहिए कि साहब, आप सरकार में 8 साल, उस वक्त भी आप सरकार में थे, आप पे जिम्मेदारी आयद होती है, उस वक्त भी आपको हिंदुस्तान की फौज को वहां रातों रात भेजना चाहिए उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। ये तो सवाल उन नेताओं पे होने चाहिए, अडवाणी जी पे होने चाहिए, आप क्यों खामोश थे? आपको जब मालूम था, और आज 8 साल हो गए हैं, आपने क्या किया वहां? आपने बोला 370 हटेगा, आतंकवाद कश्मीर में खत्म होगा, हम कश्मीरी पंडितों को वहां ले जाएंगे। कोई ना पैकेज दिया, ना नौकरी दी, ना रोजगार दिया, उल्टा जम्मू के माइग्रेंट कैंपों में जाइए, वहां उनकी हालत देखिए, उनकी बिजली काटी गई, उनका राशन बंद कर दिया गया, उनको जो कंपनसेशन हमने दिया था वो रोक दिया गया, कोई पैकेज नहीं दिया, ना वापस कोई गया। आज वहां का मुसलमान हो, सिख हो और ईसाई हो या कश्मीरी पंडित हो, कोई भी सुरक्षित कश्मीर में आज नहीं है। सलमान साहब, मैं शहजाद जी आ जाऊंगा, मैं चाहता हूं जावेद बेग साहब ने जो बातें कही हैं उस पर एक बार खुलकर और ईमानदारी से हम लोग बात करें। उन्होंने ये कहा, और मैंने ऐसा बोलने वाले कश्मीर से आने वाले बहुत कम लोग देखे हैं जो बात इन्होंने कही। सलमान साहब, आप ही से पूछ रहा हूं बड़े सम्मान के साथ। उनका कहना है कश्मीर के मुसलमानों को कश्मीरी पंडितों से माफी मांगनी चाहिए, गुनाह हुआ, जुल्म हुआ उनके साथ, उन्हें नहीं बचा पाए, इसी बात की माफी मांग लें। देखिए, हकीकत यह है, अगर दिल्ली में दंगे होते हैं, वो कोई भी डेयरिंग, एक पूरे गांव में एक या दो लोग अभी भी हैं वहां, कश्मीर में 10,000 लोग हैं कश्मीरी पंडित, जो सेफ अपने आप को जो है मानते हैं कि हम सेफ हैं मुसलमानों के बीच में। इंद्रनगर में जाइए, 5,000 परिवार है। बिंद्रू जी का हाल ही में कत्ल हुआ, उनके परिवार ने क्या कहा कि हम यहां से निकलेंगे नहीं। वो भी तो है ना, फैमिली जो वहां अभी रह रही है। हमें जख्म पे मरहम लगाने की जरूरत है, लेकिन आप फिर और आप, हमें अगर कश्मीरी पंडित भाई वहां जाना चाहते हैं, नहीं देना चाहिए, हम वेलकम कर रहे हैं, जहां लाखों लोग निकल गए, नहीं मोहब्बत से। मैं सलमान कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए फिर इस पर मुसलमान मरता है, एक गुनाह पर ईसाई मरता है, एक इंसानियत का कत्ल है। मैं कह रहा हूं, जिस भी मुसलमान के अच्छे शब्द है, एक लास्ट पॉइंट, जिस भी कश्मीरी मुसलमान का इसमें हाथ है, इस्लाम कहता है कि बेकसूर इंसान का कत्ल करने वाला इंसान नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हर कश्मीरी आतंकवादी है, हर कश्मीरी ने कत्ल किया है कश्मीरी पंडित का, ये कोई नहीं कह सकता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।